अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नफीस आलम और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने चैनल एक इंसान जॉब करने से। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, इससे आपको ये फायदा होगा फ्यूचर में वाली जो भी वैकेंसीज वीडियो है आप तक पहुँच जाएगी और आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज दो तीन बातें हैं आपके साथ करनी है, तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, सही से समझ जाइए, उसके बाद आप जो भी आपको डिसीजन लेना है लीजिए। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरी देखेंगे तब तक आपको 90% तक जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बात कर रहा हूं मैं कि जो हमारे पास वैकेंसी चल रही थी अलमेड शटडाउन की 11 महीने की, वो कल जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी, मतलब कल आज 20 तारीख तक लास्ट है, ठीक है। 20 का इवनिंग तक अगर जो बंदा निकल चुके हैं उसके लिए एप्लीकेशन करने के लिए या निकलने के लिए सोच रहे हैं, तो कल 20 तारीख तक उसकी लास्ट वैकेंसी है, ओपन है, उसका क्लोज हो जाएगी। 20 तारीख के बाद कोई एप्लीकेशन अलमेड के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। और अभी जो हमारे पास रनिंग वैकेंसी चल रही है वो मालदीप के लिए चल रही है, नजीम कंस्ट्रक्शन का प्राइवेट लिमिटेड में। उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उसमें जाके क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप उसको से मैच हो तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी टाइम है आपको। लेकिन अप्लाई करने का कंडीशन है कि आपको ऑफिस आना पड़ेगा, ऑफिस आके जो भी सिस्टम है उसको फॉलो करके उसको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको जो वैकेंसीज है अभी जो जिसके बारे में बात करें, जिसका थंबनेल आपने देखा उसके बारे में बात करता हूँ। तो हमें कतर के लिए है शट डाउन प्रोजेक्ट है, 12 महीने का शट डाउन प्रोजेक्ट है, बहुत अर्जेंट है। जितना जल्दी हो सकता है आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करें। डॉक्यूमेंट सबमिट करने मतलब कि आपको ऑफिस में आके ही सबमिट करना पड़ेगा। नजीम रियल इस्टेट WLLC कंपनी का नाम है, शटडाउन प्रोजेक्ट है 12 महीने का। मैसन चाहिए जिसकी सैलरी 2000 रियाल मिलेगी प्लस 200 खाने का मिलेगा, 8 घंटे की ड्यूटी होगी, हफ्ते में 6 दिन काम होगा और ये 1 ईयर का शटडाउन प्रोजेक्ट है। एकोमोडेशन कंपनी देगी। मैसन प्लम्बर चाहिए जिसकी सैलरी 2000 होगी प्लस 200 आपको खाने का मिलेगा, 8 घंटे की ड्यूटी होगी, हफ्ते में 6 दिन काम होगा, ट्रांसपोर्ट एकोमोडेशन कंपनी की तरफ से है और शट डाउन प्रोजेक्ट है, 12 महीना प्रोजेक्ट है। और इसमें जो आपका पासपोर्ट, दोनों पासपोर्ट चले, जितनी वैकेंसी बताने हैं दोनों पासपोर्ट चलेगा, ECR भी चलेगा और ECNR भी चलेगा। कारपेंटर चाहिए 2000 कतरियाल सैलरी, 200 खाने का, 12 महीने का शट डाउन प्रोजेक्ट है, सिर्फ 12 महीने का शट डाउन प्रोजेक्ट है और आपका इसमें 8 घंटे का काम है प्लस ओवर टाइम है। एकोमोडेशन कंपनी देगी, ट्रांसपोर्ट कंपनी देगी, फूड का तो नहीं देगी, फूड का आपको अलाउंस दे रही 200। हेल्पर चाहिए 1400 कतरियाल सैलरी मिलेगा, 1200 सैलरी प्लस 200 खाने का, 1400 कतरियाल सैलरी, 12 महीने का शटडाउन जॉब है, हफ्ते में 6 दिन काम है और 8 घंटे की ड्यूटी प्लस ओवर टाइम है। एज लिमिट चाहिए, जितनी भी वैकेंसी उसमें एज लिमिट 20 से लेके मैक्सिमम 40, मिनिमम 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम 40। फ्रेश बंदा भी अप्लाई कर सकता है, एक्सपीरियंस बंदा भी अप्लाई कर सकता है। तो 1200 सैलरी मिलेगी हेल्पर को, 200 खाने की मिलेगा, 8 घंटे की ड्यूटी प्लस ओवर टाइम, हफ्ते में 6 दिन काम, 12 महीने का शटडाउन जॉब है। एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस वगैरह जो है कंपनी प्रोवाइड कराएगी। इलेक्ट्रीशियन चाहिए 2000 कतरियाल सैलरी प्लस 200 खाने का, 12 महीने का शटडाउन प्रोजेक्ट, 8 घंटे काम प्लस ओवर टाइम, हफ्ते में 6 दिन ड्यूटी है और ये सिर्फ 12 महीने का है, याद रखें बार बार, इसलिए मैं बोला कन्फ्यूज ना हो आप लोग। 12 महीने शटडाउन प्रोजेक्ट है, अच्छा है, जो ज़्यादा दिन बाहर नहीं रह सकते हैं तो उनके लिए बेहतर है कि 12 महीने में काम करके चले आएंगे, फिर कोई शटडाउन निकला फिर उसमें चलेंगे। शटडाउन में सबसे फायदा ये है कि सैलरी अच्छी मिलती है और ओवर टाइम भरपूर मिलता है। वेल्डर चाहिए 2000 सैलरी है उनकी कतर रियाल में, प्लस 200 खाने का, 8 घंटे की ड्यूटी प्लस ओवर टाइम और उसके बाद आपको एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड कराएगी, ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोवाइड कराएगी और 12 महीने शटडाउन प्रोजेक्ट है। रीगर चाहिए 1200 कतरियाल सैलरी प्लस 200 खाने का, शटडाउन प्रोजेक्ट 12 महीने का, 8 घंटे की ड्यूटी, हफ्ते में 6 दिन काम है और ये कंपनी आपको एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कराएगी। अब पासपोर्ट आपका इसमें ECR भी चलेगा, ECNR भी चलेगा। स्टील फिक्सर चाहिए 2000 सैलरी प्लस 200 खाने का कतरियाल में, एकोमोडेशन कंपनी देगी, ट्रांसपोर्ट कंपनी देगी, 8 घंटे की ड्यूटी होगी प्लस ओवर टाइम होगा और हफ्ते में 6 दिन काम होगी और ये 12 महीने का प्रोजेक्ट है। AC टेक्नीशियन चाहिए 2000 सैलरी प्लस 200 खाने का, 8 घंटे का काम प्लस ओवर टाइम,
कंपनी एकोमोडेशन प्रोवाइड कराएगी आपको, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, 12 महीने शट डाउन है, पासपोर्ट आपका ECR भी चलेगा, ECNR भी चलेगा। तो जो जितनी भी मैंने वैकेंसीज बताई ये अर्जेंट है, तो जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे, देखिए अर्जेंट उसको बोलते हैं जब तक अप्लीकेशन आने तक अर्जेंट होता है, इसलिए उसका प्रोसेस भी जल्दी होगा, तो ये अर्जेंट है। इसमें आपको एक हफ्ता का टाइम है, तो आने वाले दिन में एक दो दिन में और मैं रिपीट वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए, जिससे आपको जानकारी मिलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि शट डाउन प्रोजेक्ट है, और हो सकता है कि पहले वाले जॉब से जो है इसका सर्विस चार्ज वगैरह थोड़ा कम रहेगा, तो आपको सहूलत रहेगी। और कहने की बात है कि जो लोग कमेंट्स के बारे में बोलते हैं, कमेंट्स में रिप्लाई नहीं करते हैं, तो जो पॉसिबल रिप्लाई है मैं उसको कर देता हूँ, सब रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। और आप लोग कमेंट में अपना नंबर ना डालें, नंबर डालने से कोई फ़ायदा नहीं, हम लोग आपको कॉल नहीं कर सकते, वक्त नहीं है, क्योंकि कॉल रिसीव करने का भी वक्त नहीं, तो फिर कॉल रिपीट कैसे करेंगे, ठीक है, पहली से बात। दूसरी बात है कि जो भी आपको इंक्वायरी करनी कॉल करके इंक्वायरी कर लें, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कॉल करके इंक्वायरी कर सकते। अभी तो मैं बहुत स्ट्रिक कर दिया, रात में आपको 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक भी रिप्लाई मिलता है। आने वाले दिनों में और भी फैसिलिटीज़ आप लोग के लिए डालूंगा, टोल फ्री नंबर डालूंगा आपको, 24 आवर्स का कॉल कोऑर्डिनेटर का सपोर्ट दूंगा, जिससे आपको हमारे पास से कॉन्टैक्ट करने में, जॉब लेने में और भी आसानी होगी। और सबसे खास बात यह है कि ये जो है ECR पासपोर्ट इसमें चलेगा आपको, ECNR भी चलेगा। एज लिमिट 20 से लेकर 40 तक है, 40 के ऊपर नहीं है, 40 तक लास्ट है। तो जो भाई इंटरेस्टेड है, जाना चाहते हैं कतर, और अच्छी सैलरी है, सबसे अच्छी बात है अच्छी सैलरी है, शटडाउन है, तो फटाफट स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कीजिए। कॉल करके आप ऑफिस विजिट कीजिए, ऑफिस का प्रोसेस आपको फिर करना पड़ेगा। जो भी टर्म एंड कंडीशन है, जो भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपको टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करके ही जॉब अप्लाई करना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा, पहले वाले तरीके बदल गए हैं। अब आने आने दिनों में और भी सिस्टमाइज और लीगलाइज और क्या बोलते हैं ईजी वे से आपको सर्विस दिया जाएगा AKNSons की तरफ से। अगर AKNSons का चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहिए, और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, साथ में हमारे लिए भी दुआ कीजिए। फिर मिलेंगे हम, अल्लाह हाफिज़।